Who did it? ये तो अमल का हॉर्न बन गया। बस बस पे 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 पे। ये ईद हमारी इंडस्ट्री के बहुत से दगा जोड़ों की शादी के बाद पहली ईद थी। जैसे कि सबूर अली और अली अंसारी की कुछ महीने पहले ही शादी हुई, ये ईद इनकी पहली ईद थी और इन्होंने इस ईद को काफी धूमधाम अंदाज से मनाया। ईद के तीनों दिन सबूर अली और अली अंसारी काफी प्यारे भी लगे और इनकी तमाम तस्वीर वीडियोज को लोगों की तरफ से काफी पसंद भी किया गया। बिल्कुल इसी तरह मीनाल खान की भी शादी के बाद ये पहली ईद थी। मीनाल खान ने शादी के बाद आने वाली इस अपनी पहली ईद को कैसे सेलिब्रेट किया बताएंगे आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ तमाम तस्वीर वीडियो भी शेयर करेंगे। बताते चले मीनाल खान ने ईद का पहला दिन एहसन खान के साथ गुजारा, जबकि ईमन खान ने भी ईद का पहला दिन अपनी फैमिली मुनीब और अमल मुनीब के साथ गुजारा और फिर दोनों बहनों ने ईद का दूसरा दिन अपनी फैमिली, अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ गुजारा। तुम्हें बोलना चाहिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तुम्हें बोलना चाहिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और ईद का तीसरा दिन मीनाल खान ने अपने ससुराल में गुजारा और अपने ससुराल में अपनी पूरी ससुराली फैमिली, ईमन खान, अपनी माँ और अपने भाइयों की दावत की। ईमन मीनाल दोनों बहनें अपनी हर पसंद चीज सोशल मीडिया पर काफी बढ़ा चढ़ाकर शेयर करती नजर आती हैं और हर फंक्शन पर लाखों रुपए खर्च करती हैं और उसे काफी धूमधाम अंदाज से मनाती हैं। तो शादी के बाद मीनाल खान की पहली ईद थी तो मीनाल खान ने उस खुशी में अपने ससुराल में काफी बड़ा फंक्शन किया जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, पूरी फैमिली को इन्वाइट किया गया। इस फंक्शन की कुछ वीडियोज और तस्वीर आइए आप लोग के साथ मिलकर देखते हैं। मैंने तुमको चलो ये बजा सकते हो, बजा 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 ऑन करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो। व्हाट आर यू डूइंग? मना रही है? व्हाट आर यू डूइंग अमल? ओए हु डिड इट? पैप पैप पैप। ये तो अमल का हॉर्न बन गया। बस बस पे 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 पे